Good morning, students. Myself, Vijendra Chauhan, from Srinarga Vidyalaya, Kanhan. And today we are going to start with the new chapter of Standard 7th. The name of chapter is given here. Written on the board, angles and pairs of angles. आज हम new chapter start करने वाले हैं. Chapter 4, angles and pairs of angles. हमने पिछली क्लास में देखा एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल. बस अब हम उसी को बेस बनाकर आगे इन एंगल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस जो दिए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देखिए, दिस इज एन एंगल, एंगल ए बी सी. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? एंगल ए बी सी. एंड दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. व्हाट इज दिस? दिस इज द दिस पॉइंट वेयर द टू आर्म्स जॉइंट्स, जहां पर एंगल के दोनों आर्म्स आकर जुड़ते हैं, उसे हम वर्टेक्स कहते हैं. अब देखिए, यहां कुछ क्वेश्चंस हैं. Write the name of the angle shown alongside. यहाँ हमें क्या करना है? Angle का नाम लिखना है. Write the name of the angle. So, students, इस angle का क्या name है? Angle A B C. तो हम यहाँ लिखेंगे Angle A B C. और ये symbol use करना है हमको angle के लिए. Is the symbol for the angle. Then next question is write the name of its vertex. अब next question में क्या करना है? Angle के vertex का नाम लिखना है. मैंने अभी बताया था आपको, this is the vertex B. B is the vertex of an angle. So where two arms AB and arms BC joins together. So this is B and this point is called vertex. So write here vertex B. Then third question is also given here. Write the name of its arms. हमको इस angle के arms का नाम लिखना है. तो इस क्या है इसका? AB और BC. R, AB and BC. Then next question is write the names of the points marked on its arms. इस arms पर जो point marks है उन points का नाम लिखना है. Point A, Point B and Point C. तो हम यहां लिखेंगे Point A, Point B और Point C. On the arm, ये points है, इसलिए हमने वहां लिखा arm के ऊपर जो point है उनको A, B और C. Then the next topic is the interior and exterior of an angle. Interior and exterior of an angle. ये angle है. हमको ये देखना है कि कौन से points interior में हैं, कौन से points exterior में हैं, और कौन से points on the angle. So students, look here. Interior means in. Angle के inside. और exterior means out. Outside. So students, look here. The interior पहले देखेंगे हम. यहाँ देखिए point N, point M, point O,
और पॉइंट टी, ये सभी पॉइंट्स इंटीरियर में है इस एंगल के। ये एंगल का क्या नाम है? पी क्यू आर। अब देखते हैं एक्सटीरियर मींस द पॉइंट्स विच आर आउटसाइड द एंगल, जो एंगल के आउटसाइड में है वो है पॉइंट जी, पॉइंट डी, पॉइंट एस एंड पॉइंट ई। ये सभी होते हैं एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, ये सभी पॉइंट्स एक्सटीरियर में है। और अब हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स। नाउ स्टूडेंट्स लुक हियर, एडजेसेंट एंगल्स, यहां इस एंगल को देखिए। इस एंगल में आपको दिखेगा एक कॉमन आर्म है जो वर्टेक्स M से निकल रहा है, M Q, ये कॉमन आर्म है। इसके लिए एंगल बी एम क्यू और एंगल क्यू एम डी, यहां पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल बी एम क्यू और फिर एंगल क्यू एम डी और क्यू एम क्यू एम, ये कॉमन आर्म है। दिस इज अ कॉमन आर्म ऑफ एंगल बी एम क्यू एंड क्यू एम डी। सो स्टूडेंट्स दिस टाइप ऑफ एंगल्स आर नेबरिंग एंगल्स, ये एक दूसरे के पड़ोसी है। सो ऐसे एंगल्स जो इस तरह से कॉमन आर्म्स में होते हैं, इन एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड, इफ स्टिल यू आर फेसिंग एनी डाउट रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर सो यू कैन सेंड मी योर वॉइस मैसेज।